वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और यही वजह है कि पूरा परिवार एकजुट है। परिवार की बहू डिंपल को उपचुनाव जीतने में जी जान से लगा हुआ है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगा। इस मौके पर जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने मौके का जायजा लिया। आइए देखते हैं क्या कुछ मिला। अखिलेश यादव मैनपुरी लोकसभा चुनाव के लिए इस तरह से कैंपेन कर रहे हैं और पूरे करहल बाजार में बाकायदा रोड शो निकाले हैं और यहाँ पे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों से हाथ मिला रहे हैं, उनसे अभिवादन कर रहे हैं। और ये यादव परिवार की एक खास बात है, जब अपने लोकसभा क्षेत्र में होते हैं, जब अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ लोगों से मिलते हैं, मैन टू मैन कनेक्ट करते हैं और वो उनका बाकायदा उनका नाम लेकर के बुलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अंतिम दौर में है चुनाव प्रचार और किस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। उन्हें लगता है कि यह प्रतिष्ठा का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि ये भी साबित करना है कि मुलायम सिंह यादव के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी समाजवादी पार्टी ही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी एक कड़ी चुनौती पेश कर रही है। आप देखिए इस तरह अखिलेश यादव जब अपनी गाड़ी से उतरे हैं, जो उनके बुजुर्ग लोग हैं उनको माला पहना करके, उनका फूल दे करके, उनको कुछ पैसे भी दे करके लोग उनका अभिवादन करते हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये उनका एक चिरपरिचित अंदाज है अपने विधानसभा क्षेत्र में, चाहे सैफई में हो, चाहे वह लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी के करहल बाजार में हो। तो आप देख रहे हैं, और अगर आपको मैं काफिला दिखाऊं तो ये काफिला 3-4 गाड़ियों से शुरू हुआ था लेकिन इसका कहीं अंत नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम सोचें कि आपको दिखा सके ये काफिला कहाँ ख़त्म हो रहा है तो शायद नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग कार्यकर्ता आए हुए हैं और इनमें से वे तमाम कार्यकर्ता हैं जिनको लगता है कि मुलायम सिंह यादव को शायद ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अगर मैनपुरी की विधानसभा सीट पे वे डिंपल यादव को अच्छे मार्जिन से जिता सकते हैं तो शायद मुलायम सिंह यादव के लिए सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि यही होगी। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, मैनपुरी।